18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक रोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जगदलपुर स्वर्गीय बलिराम चिकित्सालय 425 करोड़ की लागत से बना मेडिकल कॉलेज में लगाए गए फॉल्स सीलिंग एक बारिश को भी सही रूप से सह नहीं पाए और शनिवार को हुए पहले ही बारिश में उड़ जाने के साथ ही निर्माण की कार्यशैली पर सवाल भी उठा दिया गया है। मेडिकल कॉलेज के दूसरे नंबर गेट के प्रवेश द्वार में उड़ गया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस फॉल्स सीलिंग से किसी को कोई चोट नहीं आया, जबकि छत पर निकासी नहीं होने के कारण पानी जमा हो रहा है, जिस पर प्रबंधक के ओर से अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है। जानकारी में बताया गया कि मेडिकल कॉलेज को भव्य रूप देने के लिए साथ ही मरीजों को रखने की व्यवस्था के लिए प्रशासन की ओर से करोड़ों रुपए खर्च करते हुए इसे बनाया गया था। इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही कई बड़े नेताओं के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी जगदलपुर उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए थे। उन्होंने के साथ ही इसे आने वाले दिनों में मरीजों को काफी लागत पहुंचाने की बात भी कही गई थी, लेकिन इसके बनने के बाद भी ना तो यहां पर चिकित्सकों की भर्ती हो पाई और ना ही स्टाफ की। जगदलपुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट।